हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सभी। आज मैं पूरे दिन से वीडियो नहीं बना पाया ड्यू टू माई क्लासेस। आज बहुत सारी क्लास थी, बट अब रात को मुझे लगा कि आपको थोड़ी अपडेट दे देता हूँ। देखिए, रिजल्ट का आप भी वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्री जी लाइव आए थे, जो कि मैंने आपको डाला था। उसी लाइव को फिर काफी लोगों ने कॉपी करके डाला अपने चैनल पर। कोई बात नहीं, आपको न्यूज मिलना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद ये चर्चा आम हो गई है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, जो कि बात सच भी है। अब आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। तो दोस्तों, रिजल्ट की जो डेट्स हैं उनके बारे में कुछ कंफर्मेशन हुए हैं। आज मेरी कुछ स्कूल प्रिंसिपल से बात हुई और उससे पता चला कि रिजल्ट आपकी उम्मीद से थोड़ा पहले आ जाएगा। डेट्स उन्होंने मुझे नहीं बताई, इशारा किया। मैं आपको इशारा कर सकता हूं, अगर आप लाइक कर देंगे अभी इस टाइम में, जैसे आपका लाइक होगा मैं इशारा कर दूंगा तुरंत। और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। दसवीं का रिजल्ट पहले आने की बात करी जा रही है, हालांकि परंपरा रही है ट्वेल्थ का रिजल्ट पहले आएगा। सीबीएसई का पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका है। फाइनल डेटा में जो चेंज होते हैं, जो जैसे कहीं पर पेपर हार्ड आया तो उसको थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए, कहीं पर पेपर सेट ज्यादा टफ आ गया उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ काम किए जा रहे हैं। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप समझ रहे हैं रिजल्ट कब तक आ रहा है, आज 18 तारीख है, तो रिजल्ट 20 और 25 तारीख के बीच में आ सकता है। मैं आपको एग्जैक्ट डेट मुझे भी नहीं पता, बट थोड़ा अंदाजा मुझे है। इसी वजह से कई बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए, और हाँ, कई स्कूलों ने अपने बच्चों को नोटिस भेजे हैं कि रिजल्ट आने वाला है, अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना लीजिए, और अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिए। कई बच्चों के पास स्कूलों से नोटिस आए हैं। तो अगर आपके पास भी से नोटिस आए हैं तो आप प्लीज कमेंट करिएगा मुझे कि भैया हमारे पास भी नोटिस आया है। इसके अलावा कई स्कूल वाले बच्चों को 6 डिजिट पिन नहीं दे रहे हैं, ये शिकायत मेरे पास बहुत आ रही है। अगर आपका स्कूल भी आपको 6 डिजिट पिन नहीं दे रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा और अपने स्कूल का नाम बताइएगा, मैं आपके स्कूल को कॉल करूंगा और आपको 6 डिजिट पिन देने में हेल्प करूंगा। अरे पढ़ने वालों, अब वो घड़ी आ चुकी है कि आपका रिजल्ट आएगा। और मेरी माँ लक्ष्मी जी पीछे बैठी हुई है। माँ लक्ष्मी जी से मेरी प्रार्थना है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर से पास हो। जैसे मेरी एक बच्चे से बात हुई आईसीएसई के, मैं नाम नहीं बता सकता, यहीं पास में ही, मतलब हमारे कोचिंग में पढ़ता है। उसने कहा सर, अब आया 11th में, हो बेसिकली 11th में पढ़ रहा है, 10th तक नहीं पढ़ता था, कि सर मुझे तो उम्मीद थी मैं फेल या 50-60% आएंगे, फेल भी हो सकता था मैं। और उस बच्चे के आईसीएसई में आए 97% नंबर। और ऐसे एक बच्चा तो कह रहा था सर मेरे तो 50% मुश्किल से आएंगे, उसके 87% नंबर आए। तो भगवान करे कि आपके नंबर भी ऐसे आए, भर भर के नंबर आए। वेटेज की जहाँ तक बात है, प्रधान जो हमारे प्रधान जी हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने वेटेज की तो कोई बात नहीं करी, पर आईसीएसई ने तो 50-50% लिया है। और सीबीएसई ने भी अपने पुराने जो उनका नोटिस था उसमें लिखा था कि हम बराबर बराबर लेंगे। हालांकि बाद में जब नकल की शिकायत मिली तो उन्होंने कहा था हम डिसाइड करेंगे एग्जाम के बाद कि किसका वेटेज कितना लेना है। तो लेट्स सी, कीप द फिंगर क्रॉस्ड, और बेस्ट ही होगा। सीबीएसई ये नहीं चाहेगी कि उसका रिजल्ट डाउन चला जाए आईसीएसई से, नहीं तो आईसीएसई के बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, सीबीएसई के नहीं होंगे। तो डरिए मत, रिलैक्स रहिए, पेपर आपका जैसा भी हुआ हो रिजल्ट अच्छा आएगा, मेरा आशीर्वाद है। और जैसे आप लाइक करोगे मेरा आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, शेयर कर दोगे। आपके स्कूल से कोई नोटिस आया क्या, वो आप कमेंट करिएगा। और क्या आपके स्कूल ने आपको 6 डिजिट पिन दे दिया है, वो भी कमेंट करिएगा। और क्या आपका स्कूल आपको 6 डिजिट पिन देने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या, वो भी आप कमेंट करिएगा। चलो, वो मेरा बैग लटका हुआ है जिम का, अब मैं जा रहा हूँ जिम। और आप ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, लव यू ऑल।